नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम कार में सरकार। और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारे मेहमान हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर भाई आपका कार में सरकार के इस एपिसोड में। धन्यवाद, बहुत बहुत मैं एबीपी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लीग से हटके जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मौका दिया। लीग से हटके मेहनत कर रहे हैं आप? स्थापित दलों को लगता है कि जनता उनके गुलाम है और जनता उनको ही वोट करेगी। मैंने तो देखा है और समझा है कि आप लीक में ही कर रहे हैं सब। नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। हटके कैसे कर रहे हैं? हटके इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना, जहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों से हटके राजनीति कर रहे हैं, उस जगह पे हम लोग मेहनत करके जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं उनको हम लोग जनता के बीच लेके आ रहे हैं। आजाद भाई, ये समर्थक जो आपके उत्साहित हैं, ये आपकी बात मानते हैं? मानते। कहिए जरा, थोड़ा जिंदाबाद कम करें। मेरी आवाज यहाँ से कम जाने वाली। जाओ अरे भैया, देखो ये कुछ कह रहे हैं, ये आपके नेता कुछ कह रहे हैं, इनकी बात मानते हो तो सुन लो। अब कोई नारेबाजी नहीं करेगा यहाँ, ठीक है? नारेबाजी नहीं करेगा और कोई वीडियो भी नहीं बनाएगा, ठीक है? चलो सुन लिए, इसको लेके आप प्रचार कर रहे हैं। नारेबाजी बंद हो गई? बंद हो गई, मान गया मान गया। ये केतली लेके आप हमारे कार में सरकार में प्रचार कर रहे हैं, मैं इसको नीचे रखना चाहता हूँ। मैं रख देता हूँ, ये केतली हमारा चुनाव चिन्ह है। प्रचार तो आपने कर ही लिया चंद्रशेखर भाई, जरूरी है क्योंकि मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप गठबंधन चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे? मैं अगर ना चाहता तो उस दरवाजे ना जाता। अखिलेश यादव ने कहा है आप प्लांटेड थे, साजिश थी इसके पीछे, आपको किसी ने भेजा था, ये अखिलेश यादव ने कहा है। मतलब आप साजिश के तहत गए थे? 6 महीने से बातचीत चल रही थी, 6 महीने से किसी ने नहीं भेजा था, 6 महीने से आपने वादे किए थे। और मैं तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उनका व्यक्तिगत रूप सम्मान करता हूँ। आप सब जगह सम्मान करके भाग जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें तो सर कलम करा दो। अब वहाँ अगर अखिलेश यादव के पास हैं वो, तो आपके सर को ऊंचा करने के लिए दलित पिछड़े शोषित वंचितों की राजनीति करने वाले दोनों दलों को एक साथ क्यों नहीं जोड़ पाए राजभर? और आपके बड़े भाई हैं, उनके लिए आप खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, तो आपके खून का सम्मान क्यों नहीं? सच सुनना चाहते हैं? सच ही बता दीजिए। चलो आज एबीपी को सच बता देते हैं। बता दीजिए चंद। स्थापित दलों को लगता है कि एट्रोसिटी और तमाम तरह की जो बहुजन समाज के लोगों के विरुद्ध में जो कार्रवाइयाँ होती है ना, सरकार किसी की भी रहे, क्योंकि सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं जो उस विचारधारा से, आरएसएस की विचारधारा से ग्रसित है, वो खत्म नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी की पहली सरकार आई थी उसमें एट्रोसिटी खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, उनको ये लगता है कि जब इस सरकार में चंद्रशेखर शामिल होंगे, जब दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होगा या किसी बहन के साथ अन्याय होगा, तो चंद्रशेखर राजनीतिक स्वार्थ में चुप्पी थाम के नहीं बैठेगा। अकेले सरकार कहां से बना लेंगे आप? मैं पूछ रहा हूं, वो कहां से बना लेंगे? जनता सरकार रही है तो जैसे सरकार रही है, बड़ी पार्टी है तो मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े दरख्त हमने गिरते देखे हैं, ये जनता है। मैं एक गरीब का बेटा हूं और आज अगर इन लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूं तो मेहनत से कर रहा हूं। मेरे पीछे किसका हाथ है? कोई राजनीतिक दल तो नहीं है ना, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे। अच्छा, आपने कहा सच सुनना चाहते हैं, एक सच मैं आपको बताऊं? बताएं। आम जनता कहती है, गोमतियों में दरबारियों जब बैठते हैं तो कहते हैं चंद्रशेखर जी बीजेपी के प्लांटेड आदमी है। चंद्रशेखर पे 100 से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की वजह से है और 2 साल से ज्यादा जेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे रखा है, इससे मेरे ऊपर लगाई। विपक्ष से किस नेता पे लगाई? मैं तो मोहन भागवत जी के बराबर में बैठ के कागज नहीं लेके बैठता हूँ, मैंने तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई है। ये हाथ जोड़ रहे हैं, इनको वोट देंगे कि दूसरे को देंगे? इन्हीं को दो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।